नमस्कार किसान भाइयों, आपने ये सुना होगा कि ज़मीन में फॉस्फोरस होता है लेकिन वो पौधों को मिल नहीं पाता है। आप मौजूदा फॉस्फोरस की बात कर लो या ऊपर से दिए हुए फॉस्फोरस की बात कर दो, जो फॉस्फोरस होता है वो पौधों को पूरी तरह से मिल नहीं पाता है क्योंकि वो फॉस्फोरस ज़मीन में इमोबाइल होता है, यानी ज़मीन में फॉस्फोरस घुलनशील अवस्था में नहीं होता। आप जहाँ डालेंगे या वो जहाँ है वहीं का वहीं पड़ा रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी फंगस के बारे में बताने वाला हूँ, यदि आप उसका इस्तेमाल अपने खेत में करते हो तो मौजूदा फॉस्फोरस या जो आप ऊपर से देते हो वो आपके पौधे बेहतर तरीके से ले पाएंगे। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ माइकोराइजा की। इसे वैम भी बोलते हैं, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वैम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको खेत के अंदर कैसे देना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेम है क्या। दरअसल ये एक वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, ये एक फंगस है। ये क्या करेगा, ये आपका जो पौधे की जड़ होगी उस जड़ के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा, यानी कि उसके चारों तरफ उसके अंदर ये जो इसकी माइकोराइजा की जो फंगस है वो अंदर घुस जाएगी और सिर्फ पौधे से वो शुगर लेगी। और जो आपके पौधे की जड़ें मान लो इतने एरिया में फैली हुई हैं ज़मीन के, तो वो फंगस उस जड़ के चारों तरफ अंदर घुस के और उसके बाहर हाइफी बनाएगी, यानी वो उस ज़मीन के अंदर जो आपकी जड़ पौधे की इतनी सी एरिया से यदि फॉस्फोरस उठा पा रही थी, यानी कि जहाँ जहाँ वो जड़ जा रही थी वहाँ वहाँ से वो फॉस्फोरस उठा पा रही थी, तो अब ये माइकोराइजा इसके यदि चिपक गया है, इसके साथ में अटैच हो गया है, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया है। उसका सरफेस एरिया उसका फंगस की वजह से, उस रूट का ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एरिया से फॉस्फोरस ले पा रहा है। तो और प्लांट से क्या ले रहा, बदले में ये कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ शुगर्स ले रहा। उसका प्लांट की यील्ड पे कोई असर नहीं पड़ता और ये इतना सारा फॉस्फोरस दे पा रहा है ज़मीन के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ कि फॉस्फोरस बहुत है लेकिन वो मोबाइल फॉर्म में नहीं है। यदि आपकी जैसे पौधे की जड़ जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ से वो फॉस्फोरस उठा पाएगी, लेकिन यदि आपके माइकोराइजा का एसोसिएशन साथ में रहेगा तो उसका रूट का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा एरिया से वो फॉस्फोरस प्लांट को दे पाएगा। कुछ स्टडी से पता चला है कि फॉस्फोरस ही नहीं, फॉस्फोरस के अलावा आपका सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे और भी कई न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल कराता है। और सिर्फ प्लांट को माइकोराइजा न्यूट्रिएंट ही नहीं, इसके अलावा ये जो सॉइल बोन डिजीज़ हैं जैसे जड़ से जो बीमारियां जो ज़मीन से होती हैं उनको भी कम करने में सहायक होता है माइकोराइजा। तो हम कह सकते हैं कि जो माइकोराइजा के साथ जो प्लांट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उससे हमारे पौधे की ओबिशली यील्ड बढ़ेगी, इसलिए हमें माइकोराइजा फील्ड के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अब कैसे डालें इसकी बात करें तो देखिए बॉस, इसका सिंपल सा फंडा है। जैसे आपका ये बीज है तो ये बीज की जब आपकी रूट निकलेगी, जड़ें निकलेगी, तो उस जड़ों का माइकोराइजा से कॉन्टेक्ट हो जाना चाहिए। और जब एक बार वो उसका जो आपका माइसीलियम है वो रूट के कॉन्टेक्ट में आ गया है और रूट के साथ अटैच हो गया है, ढंग से रूट के अंदर घुस गया है, तो फिर वो अपने आप उस पौधे के साथ उसकी जो हाइफी है वो सॉइल के अंदर फैल जाएंगी और उसको फॉस्फोरस देने लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके साथ में जो बीज आप डाल रहे हो उसके नीचे यदि या उसके आसपास जड़ के कॉन्टेक्ट के आस जहाँ जड़ जहाँ से गुजरेगी वहाँ यदि हमारा वेम हम डालेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप कोई यदि आप नर्सरी लगा रहे हो और आपके कोई पौध है या नर्सरी है तो उसको तो आप माइकोराइजा के सॉल्यूशन में डिप करके और फिर अप्लाई कर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। लेकिन यदि आप सॉइल एप्लीकेशन करना चाहते हो तो सिंपली आप ये करें कि आप 50 किलो वर्मी कंपोस्ट जैसे एक हेक्टर एरिया के लिए लें और वर्मी कंपोस्ट में माइकोराइजा को अच्छे से मिक्स करें और उसको बुआई के पहले आप जो जुताई करने जाएं उसमें ही आप फेंक दें ताकि वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाए। और जब आप उसके अंदर बुआई करें तो आपकी जो बीज से जो जड़ें निकले वो उस माइकोराइजा के कॉन्टेक्ट में आए और वो दोनों आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के प्लांट को नॉट ओनली फॉस्फोरस बाकी न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध करवा पाए। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि जो वेम होता है उसको आपको फसलों में यूज करना चाहिए, कोई भी फसल हो वो बेहतर रहता है। और डोज की जहाँ तक बात करें तो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर आपको ये डालना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ से भी आप वेम खरीद रहे हैं वो ढंग से देख के खरीदें कि वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए,
बेहतर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनसे खरीदें, जैसे IRI पूषा का काफ़ी अच्छा वे माता है, आप उसको भी खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी, और आपको यदि जानकारी ठीक लगी और आपको खेती से जुड़ी नई नई जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।